टीवी पर पत्रकारिता कम बल्कि ज्यादा चिल्लाने के लिए मशहूर अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट वायरल हो रही है, जिसमें कई तरह के खुलासे हो रहे हैं। पहले टीआरपी फर्जीवाड़े वाले कांड में घिरे गोस्वामी की मुश्किलें अब उसके कई दूसरे कर्मकांडों से बढ़ती दिख रही हैं। उनकी जो व्हाट्सएप चैट वायरल हो रही है, जिसमें बालाकोट को लेकर पहले ही जानकारी होने की बात सामने आ रही है। गोस्वामी और टीवी रेटिंग एजेंसी बार्क के पूर्व सीईओ पार्थु दास गुप्ता के बीच हुई चैट को लेकर दावा किया जा रहा है कि बालाकोट स्ट्राइक से 3 दिन पहले ही अर्नब गोस्वामी ने व्हाट्सएप चैट पर कहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। इसको लेकर कई स्क्रीनशॉट भी शेयर किए जा रहे हैं। हालांकि ये चैट सामने आने की कुछ ही देर में लोग दो पक्षों में बंट गए और बहस छिड़ गई। लोगों ने देश की सुरक्षा का जिक्र करते हुए गोपनीय सैन्य कार्रवाई की जानकारी कथित तौर पर लीक होने पर हैरानी जताई। जाने माने वकील प्रशांत भूषण ने भी सवाल उठाए, तो वहीं छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि अगर बालाकोट हमले पर हमारी सैन्य खुफिया और रणनीतिक जानकारी को केंद्र सरकार में किसी की ओर से अपने फायदे के लिए प्राइवेट प्लेयर को लीक किया गया है, तो ये बड़ी सुरक्षा चूक है। उन्होंने मांग की है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। गोपनीय सैन्य सूचनाओं को लीक करना देशद्रोह है। पूर्व राजनयिक केसी सिंह ने लिखा कि ऐसा लगता है कि सरकार ने दो तरफा हमले की योजना बनाई थी। एयरफोर्स ने बालाकोट में बम बरसाए और अर्नब भारतीय विपक्ष को निशाना बनाए। गोस्वामी पर यह चर्चा भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान तक जा पहुंची है। पाकिस्तान सरकार में केंद्रीय मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने अर्नब गोस्वामी के कथित व्हाट्सएप चैट का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इससे नेक्सस का पता चलता है। पाकिस्तान में इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया, वहीं कुछ लोग इसे प्रोपेगेंडा भी बता रहे हैं। सैन्य मामलों के जानकार रोहित देव ने लिखा कि इस प्रोपेगेंडा में मत पड़िए, बालाकोट के बारे में किसी को पता नहीं था, ये सब अटकलबाजी है। बाहर के कुछ लोगों को जानकारी हो सकती है, पर वे कभी भी सार्वजनिक रूप से नहीं बोलते हैं। दरअसल इस चैट में दावा किया जा रहा है कि 23 फरवरी 2019 को व्हाट्सएप चैट में अर्नब ने ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के पूर्व सीईओ पार्थु दास गुप्ता से कहा कि कुछ बड़ा होने वाला है, और 3 दिन बाद 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकी कैंपों को तबाह कर दिया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को हुए आतंकी हमले पर यह भारत का करारा जवाब था, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे।